Hi everyone, welcome to the Delicious Treat. Hope all of you are doing excellent. तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही डिलीशियस स्वीट डिश बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है शाही किमामी सिवई और जिसे आप भी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। ये एक लेंथी रेसिपी है तो इसे मैंने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप, ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना। सेकेंड स्टेप, चाशनी रेडी करना। थर्ड स्टेप, सेवई को रोस्ट करना। एंड फोर्थ स्टेप्स, रबड़ी प्रिपेयर करना। तो शाही किमामी सिवई बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। तो चलिए अब सिवई बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, एक पैन में 2 टेबलस्पून घी गर्म करेंगे और अपने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश ली है। आप अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। हम सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे पर किशमिश हम बाद में पैन में डालेंगे और 4 से 5 सेकंड के लिए सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे भी फ्राई कर लेंगे। और अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। स्टेप नंबर 2, एक पैन लेंगे। अब इसमें 1.5 टेबलस्पून घी गरम करेंगे और 1.5 टीस्पून क्रश की हुई छोटी इलायची डालकर थोड़ा फ्राई करेंगे। अब इसमें 1 कप दूध और 1 कप पानी डालेंगे और गर्म होने देंगे। अब 1.5 कप चीनी डालेंगे और 1 टेबलस्पून रेड फूड कलर डालकर अच्छे से मिला देंगे और बॉईल होने देंगे। हमें चाशनी को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, बस चीनी घुलने के बाद 2 से 3 मिनट तक और बॉईल करेंगे। इस चाशनी को आप अपने हाथों से चेक करेंगे तो ये बस थोड़ी सी चिपचिपी सी होनी चाहिए। और अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये आपकी चाशनी रेडी हो गई। स्टेप नंबर 3, एक डीप पैन लेंगे। इसमें हम 3 टेबलस्पून घी गरम करेंगे और सिवई को गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने के बाद सिवई में हम चाशनी डालकर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे। अब ड्राई फ्रूट्स और 2/3 कप खोया डालकर अच्छे से मिला लेंगे और हमारी सिवई अब रेडी हो गई है। और अब लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, एक पैन में 2 कप दूध गरम करेंगे और 12 से 15 केसर के थ्रेड्स और 1.5 टीस्पून क्रश की हुई छोटी इलायची डालेंगे और दूध को बॉईल होने देंगे। अब 1.5 टेबलस्पून चीनी और फ्राइड ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे बॉईल होने देंगे।
हमें इसे बीच बीच में स्टर करते रहना है और थिक होने तक इसे बॉईल करना है। अब हमारी रबड़ी रेडी हो गई है, इसे हम फ्रिज में रख देंगे। अब हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं तो इसे सर्व करते हैं। एक सर्विंग बोल लेंगे, इसमें हम ठंडी रबड़ी डालेंगे और उसके ऊपर से गर्म सेवई रखेंगे और अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये आपके किसी भी फेस्टिवल में एक मेन स्वीट डिश का काम कर सकता है। एंड ट्रस्ट मी, ये आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर इस रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपके पास तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू।